विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना पड़ेगा। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों, छह छह साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। माननीय, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मान्यो, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है, इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी, किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए, इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच,
आपके विचार, आपकी नजर, आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी, ऐसा कानून में होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।